क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हम क्या कर रहे थे, कुछ शेयर करो। काफी दिन के बाद क्लास हो रही है, मुझे लगता है कल भी क्लास नहीं हुई थी। ये लास्ट में आप लोग क्या कर रहे थे, कुछ कुछ याद नहीं है। अभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे, शायद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा भाई, आपने कौन से चैप्टर में थे? 13 का हो गया था, 14 का हो गया था, कौन से चैप्टर का था? 13 14 हो गया, इनहेरिटेंस का हो गया था। जी बच्चे, टेम्पलेट का होगी, टेम्पलेट का मैं हल आता। टेम्पलेट की एक्सरसाइज में जी राइट ए फंक्शन टेम्पलेट दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन दी अरे एंड रिटर्न इट। एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और उसको रिटर्न करना। ये हो तो नहीं गया था क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। नो वालेकुम। सर, ये टेम्पलेट वाला चैप्टर नहीं अभी करवाया, अभी ये करना थी इसकी एक्सरसाइज। आपने ना इनहेरिटेंस का करवाया था। ये पॉलीमॉर्फिज्म भी रहता होगा। यस सर, वो भी रहता है। और सर, जो चैप्टर नंबर 13 है उसके ना दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी, वो थोड़ा पूछना था। चले पहले वो पूछ लें, फिर ये कर लेते हैं। कौन सा प्रॉब्लम? यस को सर, 13 में जी, ये 13 ही है। 13 की एक्सरसाइज में है या वैसे? नहीं नहीं सर, एक्सरसाइज में। ये थे एक्सरसाइज। कौन से वाले में प्रॉब्लम? सर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें उन्होंने दिए ना डाटा मेंबर्स का बताया, और जो फंक्शन है ना सर, एक इनपुट का हो गया, डिस्प्ले का हो गया। सर, जो चेंज चेंज का फंक्शन है ना, हमें मुझे उसमें समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे रिलेट कर रहे हैं। मतलब सिंपल इसके अंदर इनपुट आउटपुट करके शो कर देना, जैसे हमने इनपुट का फंक्शन देना है, या इसके अंदर कोई वैल्यूज वगैरह चेंज करनी होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसमें दो फंक्शन हैं जो शायद मेरे ख्याल हमने नहीं किए थे। एक है डिपॉजिट का फंक्शन। डिपॉजिट नो नो में सर, हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ सर, जिसमें अच्छा, राइट अ क्लास प्लेयर वाले। यस सर, ये वाला। इसमें राइट ए क्लास प्लेयर, प्लेयर की क्लास बनानी है, ठीक यस सर, है। और दैट कंटेन एट्रीब्यूट ऑफ प्लेयर नेम, नेम है, एवरेज है और टीम है। तीन चीजें हैं, नेम, एवरेज और टीम। यस सर, राइट थ्री फंक्शन टू इनपुट चेंज एंड डिस्प्ले दी रेट। अब जो चेंज है उसके लिए आप वो सेटर के फंक्शन बना सकते हैं। यस सर, इनपुट इनपुट ही हो गया और डिस्प्ले जो है वो शो का फंक्शन हो गया। आगे है चलिए ठीक है सर। आल्सो राइट ए कंस्ट्रक्टर,
that ask for input to initialize all the attributes. अब इसने constructor में भी यही कहा है. तो ये समझ आ गई थी. नहीं ये हाँ जी सर. वो कह रहा constructor में भी वो input वाला ही behavior है. Yes sir. यानी जैसे constructor बनाएंगे ना तो जैसे ही आपको call करेंगे object जैसे ही बनाएंगे तो वो input वाला काम करेगा. एक तो input में तो है ही था. constructor में भी user से ही value लेके set करनी है. एक DM है और एक DB. To store the value of distance, DM store distance in meter. जो DM है इसमें डिस्टेंस इस मीटर में शो करना है. ठीक है जी. और जो yes, हमारे पास है फॉर द क्लास अच्छा ऑब्जेक्ट एंड अब इसमें क्या करना है राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट वैल्यूज फॉर द क्लास ऑब्जेक्ट एंड ऐड वन ऑब्जेक्ट ऑफ DM विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ DB. अब ये जो DB था डिस्टेंस इज मीटर एंड सेंटीमीटर एंड DB इज इन फीट एंड इंचेस. दो चीजें हैं. DB जो है फीट इंचेस में है और जो DM है वो मीटर एंड सेंटीमीटर में है. यस सर. मीटर एंड सेंटीमीटर फीट एंड इंचेस. वो कहता है कि क्लास एड वन ऑब्जेक्ट ऑफ DM विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ ये DM है कि DP है. DM का ऑब्जेक्ट को ऐड करना है DB के ऑब्जेक्ट में. ठीक है. यूज फ्रेंड फंक्शन. हिंट दिया है फ्रेंड. चलें हम इसको कर लेते हैं. एक क्लास बनानी है जी. इसमें इन मीटर एम कर लेते हैं और इन सी एम सेंटीमीटर. अच्छा इसमें करना क्या था जी. डीएम के अंदर ये था मीटर्स पर इंच और प्रोग्राम डेट can read values for the class object and yani inka input bhi banana hai. can read values from challenge. ये हो गया इनपुट का फंक्शन. उसके बाद एक फ्रेंड फंक्शन बनाना भी बनाते हैं. दूसरी क्लास बना लेते हैं जी. बल्कि इसका डिस्प्ले भी बनाना पड़ेगा.
एम क्या है, तो मीटर वाला है ना, कौन से एलबीएस डैश डैश कर लेते हैं, किसी वे में डिस्प्ले करवाना ना वो, या तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे अब इसी को जो हमने डीबी में कंट्रोल सी, इसका नाम डीबी रख दिया है, और फीट एंड इंचेस ये फुट पाउंड सिस्टम को एलबीएस सिस्टम कहते हैं, फुट पाउंड सिस्टम एलबीएस। ये दोनों बन गए, यहाँ पे ये चीज। अब कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करने का एक फंक्शन बनाना है। अब ऐड करने के लिए वो कन्वर्जन भी चाहिए, मैं कहता हूँ ये वाइड ऐड, और ये होगा फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड और फ्रेंड भी दोनों क्लासों का। तो इसको शो करने के लिए, क्योंकि वो फ्रेंड है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप दे देते हैं, फ्रेंड वाइड एड, इसमें एक डीबी का और एक डीएम का दो ऑब्जेक्ट लेगा। यही चीज दोनों का फ्रेंड होगा दोनों में, तभी वो जो है वो विजिबल होगा ना कंट्रोल। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। अच्छा, अब इनको ऐड करने से पहले इनकी कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी। अगर आप कन्वर्जन देखें, जो एक मीटर होता है, 1 मीटर मीटर टू फीट, 1 मीटर जो है 3.28084 जो है फीट होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि इसको आप पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा किस तरह का हो। दोबारा बोले, क्रिएट टू क्लासेस डीएम एंड डीएबी टू स्टोर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डीएम स्टोर डिस्टेंस इन मीटर एंड सेंटीमीटर एंड डीबी इन फीट एंड इंचेस, राइट ए प्रोग्राम दैट कैन रीड वैल्यू फॉर द क्लास ऑब्जेक्ट एंड ऐड वन ऑब्जेक्ट ऑफ डीएम विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ डीबी, यूज फ्रेंड फंक्शन। ठीक हो गया।
अच्छा अब इसमें अब आपके पास मुख्तलिफ वैरायटी है क्योंकि इसने वो क्वेश्चन को रखा है ओपन ओपन रखा है, तो अब जब आपने ऐड करना है तो एक को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा एक को, तभी आप कर सकेंगे। अगर फर्ज किया आप मीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें फीट में, वो वहाँ पे क्या यार्ड स्टिक है, 1 मीटर के अंदर 3.2804 जो है इंची होते हैं। इसका मतलब ये है कि फीट को मीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। अब इसको कहते हैं ओबीजेडी बी, इसको कहते हैं ओबीजेडी है। चलिए हमने यहाँ पे ऐड करना पहले इसको, अच्छा अब इसको ऐड करके रिटर्न करके किस में करना, फर्ज किया मैं पहले कहता हूँ जी डीएम में, डीएम में रिटर्न करना आंसर तो है, या डीबी में रिटर्न करना, तो यहाँ सब में वाइड की बजाय फिर डीबी कर देंगे और इधर भी वाइड की बजाय डीबी कर देंगे, दोनों को ऐड करके दिखाना किस में है फीट के अंदर। तो अच्छा अब यहाँ पे एक डीबी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे टेम्प, ठीक है टेम्प डॉट, अब फीट है ना फीट, टेम्प डॉट फीट इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें हमारे पास आ गया ये इंट है फीट और इंचेस। अब फ्रंट फंक्शन बनाया और इसको रन होने की वजह से प्राइवेट एक्सेस को करना चाहिए, ठीक है करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने बनाया जी ओबीजे डीबी डॉट डॉट फीट, डीबी का तो ऑलरेडी फीट में ही होगा, प्लस ओबीजे डीएम डॉट मीटर मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रोल भी। अब ये क्या हो गया, मीटर किस में कन्वर्ट हो गए फीट में, मीटर किस में कन्वर्ट हो गए फीट में, तो फीट प्लस फीट ये इसके टेम्प के फीट में आ गया, और दूसरा है इंचीस, अब हमें वो भी पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर टू इंचीस, सेंटीमीटर टू इंचीस, ये सेंटीमीटर एक में क्या है 0.39, और हमारे पास आ गया जी कंट्रोल भी, ये यहाँ पे मीटर ऐसे और यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है जी इसके मीटर को 3 से और इसके मीटर को 5 जी इससे मल्टाई, तो अब हमारा रिजल्ट ये आएगा रिटर्न टाइम, रिटर्न ले जी। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मसलन एक डीएम का डीबी का ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे वन, ओबीजे वन डॉट इनपुट
दे दिया, फिर dm का एक ऑब्जेक्ट बना लिया dj2, dj2 डॉट इनपुट ये हो गया। अब वो ऐड करना था, अब एक क्योंकि हमें रिजल्ट कितने आ रहा है डीपी में, एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ ओबीजे3। चले अब यहाँ पे उनको ऐड करते हैं, ऐड ओबीजे1 ओबीजे2, ओबीजे1 और ओबीजे2 को ऐड करके किसमें ले रहे हैं, ओबीजे3 में, ओबीजे3 में ये चीज। और इसके बाद ओबीजे3 को शो कर दें, ये चलो आगे देखते हैं इसको। अच्छा ये आपकी क्लास थी इवनिंग की, ये कौन सा है जी, चैप्टर कौन सा था, सर 13 चैप्टर है, चैप्टर 14 का प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसको सेव कर लिया, क्या रह गया जी, ये कहते हैं डीपी डज नॉट नेम ए टाइप डीपी, और क्या बनाया है हमने डीपी। अच्छा हाँ यहाँ पे वो मसला करेगा, करना भी चाहिए, यहाँ पे हम कर देते हैं वो। इसमें मैं मसला ये किया था कि उस वक्त तक वो डिफाइन नहीं हुई थी ना क्लास। अच्छा मैं कहता हूँ जी ए 2 फीट है और इंचीज 6 इंचीज है, दूसरे के अंदर मीटर है 1 मीटर है, 2 मीटर है और सेंटीमीटर में जो है 50 है आप। अच्छा 2 फीट, अच्छा The distance in LVS is 5 feet or 25। ठीक है, अब इसमें और वर्जन भी बन सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक बनाया ना, अब आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करके मीटर में रिटर्न करें, तो तब आपकी वो कन्वर्जन डिफरेंट हो जाएगी। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई किया है ना, तो डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई किया ना 3.24 से, फिर क्या करेंगे आप फीट की बजाय किसमें लेंगे, मीटर में, मीटर को ऐसे रहने देंगे, फीट वाले को इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और ये सेंटीमीटर ऐसे रहेगा और 0.39 को डिवाइड कर देंगे इंचेस, और यहाँ पे रिटर्न टाइप आप डीबी की बजाय डीएम कर देंगे, क्योंकि जो डीएम है वो बड़ी है आइडेंटिटी और डीबी जो है वो छोटी है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की, या गुम हो गए? यस सर समझ आ गई, समझ आ गई नो सर आ गई समझ, यस सर। चलो ठीक हो गया, तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से, जो एक फैक्टर ये है, ये जो मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि ये प्रोटोटाइप है, ये क्या है, प्रोटोटाइप है, ये कंपाइलर को बताता है कि ये डीबी की क्लास आगे आएगी। अब यहाँ पे डीपी का वर्ड यूज हुआ ना, तो इसने एतराज किया कि डीपी क्या चीज है, हालांकि अगली लाइन पे डीपी डिक्लेयर हुई है। अच्छा yes, अगर ये डीपी को पहले डिफाइन करते यहाँ पे, तो फिर इसको भी एतराज कर देते कि डीएम क्या है, तो उसके लिए भी फिर आपको उसको अर्लियर जो है प्रोटोटाइप दे के कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि डीपी आगे आ रही है, इसलिए एरर न हो। समझ आ गई बात, बस यही एक मेन चीज है, बाकी तो आपने जैसे ये बनाया फ्रेंड, तो अब चूंकि दोनों के ऑब्जेक्ट यूज हुए, तो दोनों में मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो ऐड का फंक्शन ये फ्रेंड है, ऐड का फंक्शन दोनों में मेंशन करना पड़ेगा कि ये फ्रेंड है, इसीलिए फिर दोनों के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकेगा। ठीक हो गया, तो अब आप एक और वर्जन आप खुद से बना सकते हैं कि जो रिटर्न क्या करे डीएम टाइप कर, कि ले दोनों क्लासों का ऑब्जेक्ट लेकिन रिजल्ट किस में दे, मीटर में,
MKS सिस्टम में दे, फुट पाउंड की बजाय MKS में दे, तो ये आप ये भी बना सकते हैं। वो इसने मेंशन नहीं किया, तो एक वर्जन आपको करवा दिया, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा, बता मिल दिया। और कोई प्रॉब्लम था जी? सर वो जो लास्ट वन है ना फाइव वाला, फाइव वाला जी सर, उसको बस इसी तरह एक्सप्लेन कर दे, मतलब लिखना नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत ना हो रहा था, जैसे फंक्शन है ना उसके अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स, ये तो समझ आ गई। अब ये जो टर्न फंक्शन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ कार टू वन स्टेप राइट साइड, सर इन चीजों में थोड़ा हो रहा था, मैं समझ नहीं आ रही। मैं एक दो बता देता हूँ, क्लास बनानी है कार की, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, कार का नेम है, उसकी डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में मूव करिए, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये करेक्टर टाइप का होगा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई एक, ये डायरेक्शन का जो वेरिएबल है करेक्टर टाइप का। उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ कार फ्रॉम जीरो पॉइंट, इमेजिनरी जीरो पॉइंट, पोजीशन ऑफ कार के वो जीरो पॉइंट से कितनी दूर है, एक पोजीशन बना ले। अब पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, एक्स और वाई, एक्स और वाई, जैसे ये जो हमारे पास होता नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, जिसमें अंदर जो सेंटर में जीरो जीरो होता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स और वाई में रिप्रेजेंट होता है ना, तो पोजीशन आपकी किस में शो होगी, इन टर्म ऑफ एक्स और वाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट, पॉइंट की क्लास अलग से बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप एक्स और वाई शो करेंगे। द क्लास हैज द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक हो गया, टर्न का फंक्शन है टू चेंज डायरेक्शन टू वन स्टेप राइट, वन स्टेप राइट साइड, ईजी इफ द डायरेक्शन इज to east it should be changed to south and so on. एक step पे जैसे वो north south, ऐसे नहीं होगा कि दो step लगा दें, दो step नहीं लगाएगी। इसको मसलन समझिए कि जैसे east और west है, तो आप west फौरन east पे नहीं कर सकते, west से पहले वो north या south की तरफ जाएगी, फिर east की तरफ आएगी, समझ आई, 180 डिग्री का जंप नहीं करेगी, 90 का जंप कर सकती है, 90 का जंप, ओके ठीक हो गया। तो वो यही कह रहा है कि इफ द शुड बी चेंज फ्रॉम, अच्छा उसके बाद क्या है, ओवरलोड द टर्न फंक्शन टू चेंज द डायरेक्शन टू एनी साइड डायरेक्टली, अच्छा ओवरलोड करना टर्न फंक्शन कि वो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकती है, चाहे आप जिस मर्जी डायरेक्शन में ले। पहले वाले में तो सिर्फ टर्न था ना, एक एक स्टेप लेता था, अब तो उसको ओवरलोड कर ले टर्न फंक्शन को, कि वो डायरेक्टली ईस्ट से वेस्ट भी जा सकती है, इट शुड एक्सेप्ट द डायरेक्शन एज पैरामीटर, ठीक हो गया। इसके अंदर पैरामीटर पास होगा, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, उसके अंदर सिर्फ क्या था, टर्न करना था, टर्न लेफ्ट या राइट साइड, लेफ्ट करेगा तो अगर वो ईस्ट है तो ईस्ट से साउथ पे आ जाएगा या इस तरीके से। उसके बाद है मूव फंक्शन टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए कार अवे फ्रॉम जीरो पॉइंट, इट शुड एक्सेप्ट द डिस्टेंस एज ए पैरामीटर, अच्छा इसमें अब इसने वो एक्स वाई दोनों मेंशन नहीं किए, तो एक्सेप्ट द डिस्टेंस एज ए पैरामीटर, उसने वो ऐसे सपोज किया कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, वाई जीरो है, आप एक वैल्यू से भी कर सकते, फिर आप दो वैल्यू ना दें, अगर ये मेंशन करता पोजीशन को एक्स वाई में, तो तब आपको एक्स और वाई पॉइंट अलग अलग जो है पॉइंट की क्लास अलग बनानी पड़ती, और अब क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ एक वैल्यू कह रहा है, मूव फंक्शन टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए कार अवे फ्रॉम जीरो पॉइंट शुड एक्सेप्ट डिस्टेंस एज ए पैरामीटर, तो वो डिस्टेंस को एज ए पैरामीटर लेगा, तो वो एक नंबर ले लें, उसके अंदर सिर्फ जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, ठीक हो गया, बस ये इतना ही था। यस सर ठीक है, इसको ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करवा दे, अभी बल्कि आज आपकी दो क्लास है ना,
अभी मैं इसको वो पॉज करता हूँ, तो चलिए ठीक है सर। 10 मिनट तक ये दोबारा स्टार्ट होती है। नहीं, आज आपकी 4 से 6 क्लास है ना? चले अभी दूसरा स्टार्ट करते हैं, मैं इसको पास करता यस। हूँ।